हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। तो दोस्तों, आज बनाने जा रही हूँ पपैया की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। तो आप देख सकते हो, यहाँ पर कटिंग हो रही है। छिलका फेंक दिया पहले और छोटे छोटे पीस कर लिया। अब उसे कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए, और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए आगे की अपडेट पाने के लिए। तो देखिए, इस तरह से कद्दूकस कर रही हूँ। और ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, ये मेरी मम्मी ने बनाया। तो साथ में देखिए, कढ़ाई गर्म हो चुके हैं और गैस भी ऑन कर लिया। तो देखिए, यहाँ बहुत सारे हो गए हैं, कद्दूकस करके रख दिया पपैया को। तो साथ में हमने आलू फ्राई करके रख दिया, छोटे छोटे पीस कर लिया पहले। उसके बाद उसमें थोड़ा हल्दी का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल के फिर फ्राई कर लिया। उसका छोटा सा क्लिप मैंने लिया। अभी हम क्या करेंगे, मसाला ले लेते हैं। तो एक बोल में 2 ग्रीन चिल्ली, साथ में हमने ले लिया धनिया पाउडर, फिर हम ऐड करेंगे जीरा पाउडर, और उसके बाद थोड़ा गरम मसाला, फिर हल्दी का पाउडर और लाल मिर्च बिल्कुल भी हम ऐड नहीं करेंगे, और नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद पानी डाल के मिला लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आलू भी फ्राई हो रही है। मैंने बोला ना, छोटा सा क्लिप मैंने डाल दिया, आलू फ्राई हो रही है। अब उसमें हमने 5 फोरन ऐड कर दिया, फिर जो मसाला मिक्स करके रखी हूँ, देखिए पानी के साथ मिक्स कर लिया। फिर हम वो मसाला हम तेल में ऐड कर देंगे, क्योंकि मसाला को अच्छी तरह से भुनना है, उसका कच्चा कोई स्मेल ना आए। तो देखिए, मसाला हमने ऐड कर दिया, उसे तब तक हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक उसका कच्चापन चले ना जाए। तो फ्लेम को अभी हमने लो पे रख दिया, और साथ में फिर से जो दालचीनी और इलायची है उसका भी पाउडर हमने पहले ग्राइंडर में मिक्स करके रख दिया, उसका भी पाउडर थोड़ा सा डाल दिया। और कद्दूकस किया पपाया भी अभी ऐड कर दिया, उसे भी मसाला के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। फिर हमने दे दिया है कसूरी मेथी, आप चाहे तो हाथों में लेके क्रश करके भी डाल सकते हो यहाँ पर। फिर हम फ्राई किया आलू ऐड कर देंगे उसमें, और उसे अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते रहेंगे। तो दोस्तों, फाइनली हमारा पपैया की डिलीशियस रेसिपी बनके तैयार हो चुके है। और हमने एक बोल में ले लिया और गैस को ऑफ कर दिया। अब उसमें और स्वाद थोड़ा बढ़ाने के लिए हम 1 स्पून घी इसमें ऐड करेंगे, और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप उसे चपाती या परोठा या राइस के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी है। दोस्तों, वो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।